बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल हाउस फॉर सेल पॉइंट में सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में जो मकान फॉर सेल है उसका फ्रंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। डबल स्टोरी मकान है, ये देख लें। फ्रंट पर जो है एक विंडो और मेन गेट, उसके अलावा ऊपर भी वेंटिलेशन के लिए जो है जगह छोड़ी गई है। और ये देख लें, ऊपर डबल स्टोरी बना हुआ है ये मकान। तो दोस्तों, इस मकान की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें, मेन गेट से दाखिल होते ही गैराज में जो पत्थर लगा हुआ है और छत में जो सीलिंग का काम किया गया है, उसके अलावा सीढ़ियां देख लें आप और पेंट वगैरह जो किया गया है। तो दोस्तों, मटेरियल भी देखते रहें किस तरह का इस्तेमाल किया गया है मकान में, और इसकी डिटेल मैं आपको देने लगा हूँ वो भी सुनते रहें। तो दोस्तों, ये देख लें, सीढ़ियों में भी जो है पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और एल्युमिनियम का जो लगी हुई है ग्रिल। तो दोस्तों, मैं आपको बताने लगा हूँ ये मकान कितने मरले का है, कितने रूम्स और वाशरूम वगैरह इसमें बने हुए हैं और क्या इसकी डिमांड की गई है। तो दोस्तों, दो मरले में ये मकान बना हुआ है, डबल स्टोरी, तीन बेडरूम इसमें हैं और दो बाथरूम, उसके अलावा एक गैराज और एक हॉल कमरा है, जो कि मैं आपको एक एक चीज़ दिखा भी रहा हूं। तो दो बाथरूम हैं, दो रूम्स के साथ अटैच बाथरूम, और उसके अलावा जो है टोटल तीन जो है बेडरूम हैं और एक किचन, एक हॉल और एक गैराज। वाशरूम में भी आप देख लें किस तरह की जो है मार्बल की टाइलें लगी हुई हैं। और उसके अलावा टोटली मकान में फ़र्श पर पत्थर लगा हुआ है। दो मरले में बना हुआ है डबल स्टोरी खूबसूरत मकान, जो कि फॉर सेल है। ये देख लें आप, हर चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस मकान की डिमांड क्या की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, 52 लाख रुपए इसकी डिमांड की गई है। उमर भाई हैं जो सेल कर रहे हैं। ये देख लें, इसका जो है किचन में भी जो फर्नीचर का और उसके अलावा मार्बल का जो काम किया गया है, मार्बल की टाइलें लगी हुई हैं, पत्थर लगा हुआ है और उसके अलावा छत में सीलिंग का काम किया गया है। तो दोस्तों, हर चीज़ देखने के बाद आप आइडिया लगाएं मकान में जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह का मकान बना हुआ है उस हिसाब से जो इसकी डिमांड की गई है, 52 लाख रुपए मुनासिब है या नहीं। तो उमर भाई हैं जो सेल कर रहे हैं। मकान का जो है मैंने आपको मुकम्मल जो है बता दिया है, कितने मरले में बना हुआ है, दो मरले में बना हुआ है, टोटल तीन बेडरूम, दो बाथरूम, उसके अलावा एक किचन, एक हॉल कमरा और एक जो है गैराज इस मकान में बना हुआ है। तो दोस्तों, उमर भाई सेलर हैं, सेलर से राब्ते के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मकान की लोकेशन के बारे में आप मालूमात हासिल करना चाहें या मकान का विज़िट करना चाहें या किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आपका मकान के बारे में, तो मकान मालिक से राब्ते के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो वहां से आप नंबर हासिल करके मकान मालिक से राब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें। अगर आप चाहते हैं आपको घर बैठे फ्री में इसी तरह की हाउस फॉर सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के बटन को लाजमी दबाएँ। उससे ये होगा, हमारी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, एक बार फिर दोहराएंगे, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। दो मरले का ये मकान बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त, डबल स्टोरी, टोटल तीन बेडरूम इसमें बने हुए हैं, दो बाथरूम, उसके अलावा एक जो है किचन है और हॉल कमरा है और गैराज है। हर चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। ये देख लें, वाशरूम में मार्बल की टाइलें लगी हुई हैं, गैराज में भी जो है फ़र्श पर पत्थर और उसके अलावा छत में सीलिंग हर रूम के अंदर लगी हुई है, और जो है दीवारों पर पेंट वगैरह जिस तरह का भी मटेरियल है हर चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। तो दोस्तों, आइडिया के लिए ये वीडियो बनाई जाती है कि आपको आइडिया हो जाए मकान की डिमांड क्या है और कितने रूम्स और वाशरूम इसमें बने हुए हैं, किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है और मकान की डिमांड क्या है। तो हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। ख़रीदारी करने के लिए मकान मालिक से राब्ते के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, मकान मालिक से राबता कर सकते हैं। अगर आपको मकान पसंद आए, आप ख़रीदारी करना चाहें या मकान का विज़िट करना चाहें या कोई भी किसी किस्म का सवाल हो मकान के बारे में, तो राबता कर सकते हैं।
तो इजाज़त चाहेंगे आज की इस वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।